नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। हमारी खास पेशकश में बात करेंगे उम्मीदों का संकल्प पत्र। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम नेता मौजूद होंगे। संकल्प पत्र के बीजेपी उपलब्धियां और विजन बताएगी। इसमें महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान, आदिवासियों पर खासा फोकस देखा जा सकता है। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद, बीज जैसे तमाम अनेकों मुद्दे शामिल हो सकते हैं। संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने जा रही है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसे बनाने से पहले प्रदेश में सुझाव पेटी रखी गई थी, इसमें जनता से सुझाव मांगे गए थे। उन सभी सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे भोपाल एयरपोर्ट पर। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। कुछ देर में पहुंचेंगे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार बीजेपी के संकल्प पत्र का विमोचन करने के लिए। तो बीजेपी के संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। गौरतलब है कि काफी इंतजार मध्य प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के किया जा रहा था। तारीख पे तारीख लगातार मिलती जा रही थी। पहले इस बात की सूचना थी कि दिवाली से कुछ दिन पहले से जारी किया जाएगा, फिर धनतेरस को लेकर के सूचना थी, और अब आज कहा जा रहा है कि आज फाइनली बीजेपी का घोषणा पत्र यानी कि तमाम ऐसे वादे जो जनता से किए जाएंगे इस घोषणा पत्र के माध्यम से, जिसे नाम बीजेपी ने संकल्प पत्र दिया है। इस संकल्प पत्र में माना जा रहा है कि बेरोजगार, युवा, महिला और लगभग हर तबके को ध्यान में रखते हुए तमाम वो घोषणाएं इनके संकल्प पत्र में होने वाली हैं। तो इंतजार की घड़ियां अब थोड़ी ही रह गई हैं। बड़े दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए तैयार हैं। केंद्र नेतृत्व संभाल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं।